Hello, my dear students. Today we will do letter K. Okay? K for क्या बताया था मैंने? K for key, kettle, kite and king. Okay? Key, kettle, kite and king. Okay? उससे पहले हमने क्या कर लिया है? A for apple. क्या ना हमने, चलिए आज हम बुक से रीड करेंगे. ओके, देखो, ए फॉर एप्पल. ओके, देन बी फॉर बेयर. बी फॉर बेयर. ओके, थोड़ा सा नया से सीखते हैं. सी फॉर कैट. तो कितनी प्यारी पुसी कैट है. किसके पास है पुसी कैट? डी फॉर डॉग. ओके, डी फॉर डॉग. देन ई फॉर एलिफेंट. ई फॉर एलिफेंट. एफ फॉर फिश. एफ फॉर फिश. देन जी फॉर ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स. देन एच फॉर हैट. एच फॉर हैट. ओके, I for ice cream. कितनी टेस्टी लग रही है ना आइसक्रीम. I for ice cream. Then J for jeep. J for jeep. Okay, अब क्या आएगा हमारा? K for key. Okay, K for key. ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसमें, हम अपना करेंगे वर्क. Okay, बताओ कौन सी वाली बुक में करना है? दिस वन, स्किल्स इन राइटिंग इंग्लिश में. ओके, चलिए ओपन दिस बुक, पेज नंबर 21. ओके, देखिए इसमें भी है के फॉर काइट, कैटल, की. ठीक है, ओके, सबकी बुक ओपन, पेज नंबर 21. आपको क्या बनाना है? लेटर के. आपको खुद ही पता लग जाएगा लेटर के कहाँ पर है. ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें. कितनी लाइन्स गिवन है? 1, 2, 3, 4. और हमें कितने में करना है? 1, 2, 3 में. ओके, वन लाइन लीव कर. ओके, स्टार्ट करते. चलिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग एंड देन स्लैंटिंग. क्या बनाइए? लेटर के. फिर से लिखें, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग. लेटर के. फिर से स्टार्ट करें. थर्ड वन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग एंड देन स्लैंटिंग. ओके, अब आते हैं हम सेकेंड लाइन पे. ओके, चलिए, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग एंड देन स्लैंटिंग. ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम? लेटर के. के फॉर काइट, केटल एंड की, किंग. हो गया सेकेंड लाइन कंप्लीट. थर्ड लाइन पे आए, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग एंड देन स्लैंटिंग. ओके, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग एंड देन स्लैंटिंग. ठीक है, लास्ट वाला, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग एंड देन स्लैंटिंग. क्या लिख रहे हैं हम? लेटर के. ओके, आते हैं लास्ट लाइन पे, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग मेक्स लेटर के. ओके, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग. ठीक है, अब हम करेंगे इस वाली बुक. ओपन दिस बुक. ओके, इसका हमारा एक पेज रहता है ना अभी हमारा, दिस वन. ठीक है, पेज नंबर है 43. ओके, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं. इसमें भी यही है कि आपको कितने गिवन है लाइंस? 1, 2, 3, 4 गिवन है, लेकिन आपको 3 लाइंस में ही आपको करना है. ओके, करें स्टार्ट. चलिए, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग.
स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, क्या बना रहे हैं हम? लेटर के। देखिए यहाँ पे छोटा सा बच्चा जो है ना, छोटा सा बेबी, वो क्या कर रहा है? काइट उड़ा रहा है। आपको दिखा रहा है मैं काइट उड़ा, लेकिन काइट उड़ानी नहीं चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे गिर जाते हैं काइट उड़ाते रहते हैं, ठीक है ना? सो प्लीज़ लेटर के सेकेंड लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है? कंप्लीट हो गई ना सबकी फर्स्ट लाइन? आ रहा है ना सबको समझ में? ठीक है, बहुत इजी है। स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, ओके। लेटर के, नीट एंड क्लीन वर्क करना है, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेसिंग नहीं है तो आपको अपने आप से करना है, तो प्लीज़ अपना आप नीट एंड क्लीन वर्क करना है, ठीक है? पेंसिल शार्प, और मम्मा का हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, अपने आप करना है, ठीक है ना? क्योंकि स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइन है, ओके? स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, क्या बन रहा है हमारा ये लेटर के? के फॉर किंग, काइट, की एंड कैटल, लेटर के, ओके। लास्ट लाइन पे आते हैं हम, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, ओके। लेटर के, हो गई सबकी फोर्थ लाइन कंप्लीट? चलिए मेरा भी कंप्लीट हो गया, ओके। और आपको एक काम और करना है, आपको एक नोटबुक में भी बनाना है ऐसी, ठीक है? देखो मैंने ऐसे कर रखा है, 3 times के लिखा है आपको, लेकिन आपको 4 times लिखना है, ओके। यहाँ मैंने हल्की छोटी सी पिक्चर बना दी है काइट की, ठीक है? मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है ना, क्योंकि इसलिए छोटी सी काइट बना दी है, ठीक है? आप छोटी सी बनाइए, क्योंकि मैं थोड़ा एक्चुअली लिख दिया क्योंकि आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, ओके? ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पेरेंट्स आपको ये बना के देना है बच्चों को, ठीक है? आपको यहाँ भी सेम है, 1, 2, 3, 4 लाइंस है, लेकिन आपको 3 lines में आपको ड्रॉ करना है, ओके? स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, ओके? क्या बना हमारा लेटर के, ओके? स्टैंडिंग, स्लैंटिंग एंड स्लैंटिंग, लेटर के। ये तो आपका है होमवर्क, बस मैं आपको एक लाइन बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है नोटबुक में, ओके? सबको समझ में आ गया ना, ठीक है? सबको समझ में आ गया ना? सो दिस इज़ योर होमवर्क, ओके? थैंक यू।